वेलकम टू ZT क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट और उससे मिलने वाले डिफरेंट प्रोडक्ट्स की और उनके यूज की। हाउ वी कैन ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट? सो वन ऑफ द वेज यू कैन ऑब्टेन इट इन लैब, वेयर यू विल हीट अप सोडियम एंड देन यू विल रिएक्टेड विद क्लोरीन गैस विच इज येलो इन कलर। द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इज विग्रस, गिविंग आउट लॉट ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा दैट विल बी NaCl और कॉमन सॉल्ट। बट कमर्शियली इट इज नॉट वायबल टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट इन लैब। तो आप कमर्शियली कॉमन सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करेंगे? सो वन ऑफ द कॉमन वे इज बाय सी वाटर। सो इन सी शोर द सॉल्ट वाटर इज कलेक्टेड इन शेलो पूल्स एंड देन इट इज लेफ्ट फॉर फ्यू वीक्स फॉर वाटर टू इवेपरेट एंड द लेफ्ट आउट इज वॉट इज योर सॉल्ट इज देयर विद लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज विच इज देन प्यूरिफाइड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट। सो कमर्शियली जो सॉल्ट है वो हम रॉक सॉल्ट से भी ऑब्टेन करते हैं, दैट इज काला नमक। ये काला नमक जो है दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉल्ट माइन्स। तो ये सॉल्ट माइन्स, ये जो अंडरग्राउंड डिपोजिट्स हैं, दीज आर एक्चुअली फाउंड बाई ड्राइंग ऑफ एंशियंट सीज। तो एंशियंट सीज दे गेट लैंड लॉक। अगर प्रेजेंट सिनेरियोज में हम कंपेयर करें फ्रॉम डेड सी, सो डेड सी इज लैंड लॉक, देर इज नो इनपुट ऑफ रिवर। सो डेड सी वाटर इज बिकमिंग गेटिंग वेपोरेटेड एंड इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर सेलाइन। सो इन फ्यू थाउजेंड ईयर्स द डेड सी विल बेसिकली गेट वेपोरेटेड फुली एंड वट इज लेफ्ट विल बी द डिपोजिट्स ऑफ सॉल्ट। एंड दोज डिपोजिट्स फ्रॉम द सीज विच वर इवेपोरेटेड मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक, दोज आर योर रॉक सॉल्ट। तो पहला यूज तो सभी को पता है, इट्स यूज इन कुकिंग टू इम्प्रूव फ्लेवर। सेकेंड इज इट्स हेल्प्स इन बॉडी फंक्शन, स्पेशली आपका जो कॉमन सॉल्ट से जो सोडियम आयंस मिल रहे हैं, दोज आर रिक्वायर्ड फॉर नर्वस सिस्टम एंड मसल्स टू फंक्शन। थर्ड इज इट्स यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। फोर्थ इज वट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इट्स यूज एज अ रॉ मटीरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ये जो डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे ऑब्टेन हो रहे हैं और उनका यूज क्या है, दैट इज वट विल स्टडी अहेड। As a raw material to obtain hundreds of products, and उसमें जो important products हैं, those are your hydrogen gas, chlorine gas, caustic soda, hydrochloric acid, bleaching powder, liquid bleach, baking soda, ammonium chloride, soda ash, and washing soda. Okay, ये जो product की list है, you may find it slightly lengthy, but you'll be surprised to know all these products are obtained from two reactions, या फिर उन reactions के जो products हैं उनसे जो है ये प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वो कौन सी दो रिएक्शंस है? फर्स्ट वन इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। हियर क्लोर इज फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई इज फॉर NaOH। सो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस इन सिंपल टर्म इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। तो क्या हो रहा है इसमें, तो पहले ब्राइन देख लेते हैं। ब्राइन क्या होता है? जहां पर हम एक एक्वा सोल्यूशन बना रहे हैं विद लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट, ठीक है, नमक वाला पानी, दैट व्हाट इज ब्राइन इज। तो ये जो नमक वाला पानी है NaCl plus H2O, इसमें when you are doing the electrolysis, so the products which you are getting here is NaOH, that's your caustic soda, plus chlorine gas and hydrogen gas. So this is your first reaction. Second reaction is Solvay process. Here we are reacting brine with carbon dioxide and ammonia. तो ब्राइन इज NaCl plus H2O, अमोनिया इज NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड द प्रोडक्ट्स विच वी आर गेटिंग इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। लेट्स सी ये 10 प्रोडक्ट्स हमें इन टू रिएक्शन से कैसे, हाउ वी आर ऑब्टेनिंग देम, है ना। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में हमें डायरेक्टली तीन प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड कॉस्टिक सोडा। सॉल्वे प्रोसेस में वी आर गेटिंग बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड। अब इन प्रोडक्ट से फर्दर यू कैन ऑब्टेन मोर प्रोडक्ट्स, है ना। आप हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस को आपस में रिएक्ट करेंगे, यू विल गेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन गैस व्हेन यू पास ओवर स्लेक लाइन यू विल गेट CaOCl2, दैट्स योर ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस एंड कॉस्टिक सोडा, सो व्हेन यू आर रिएक्टिंग देम यू आर गेटिंग लिक्विड ब्लीच। Now on the other side, the baking soda, when you heat it up, you will get your soda ash or Na2CO3.
एंड दिस सोडा ऐश व्हेन यू रिएक्ट विद वाटर है ना बाय क्रिस्टलाइजेशन यू विल गेट योर वॉशिंग सोडा। तो अभी आगे के लेक्चर में बस हम इन प्रोडक्ट्स है ना हाउ टू ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट्स अगेन इन फॉर्म ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट आर द यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स विल टॉक अबाउट।